أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسن يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العلي العظيم. الله كي حمد سناوس كي تعريف وتمجيد. حماري قفتاكوكا محبر مركزها. मोहम्मद मुस्तफ़ा सल् वसल्लम और आपके ख़ानदान मुतहर पर और सलाम भेजना हमारी जिंदगी का अहम वतीरा है और हमारे इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत अक़ीदत पेश करते हुए आपका इस्तकबाल करना प्रोग्राम तजिक नफ्स में हमारा फ़र्ज़ है नाजरीन व नाजरात तजकिए नफ्स सिर्फ़ एक प्रोग्राम नहीं है कि जिसको पेश करने वाले पेश करें और सुनने देखने वाले सुने और देखें बल्कि एक मुसलसल अपने नफ्स से जहाद के सिलसिले को जारी रखना है इंसान जब बालिग होता है तो अंदर की एक जंग में मुबतला कर दिया जाता है ख़्वाहिशा नफसानी उसकी ख़ुद अंदर से सर उठाती हैं और इंसान को अपने रब अपने मबूद और अपने ख़ुदा से गाफिल करने की कोशिश करती हैं जबकि उसी अंदर की दुनिया में अक्ल जैसी अल्लाह सुबहान की याद दिलाने वाली ताकत है कि जो पैगम्बर बातिनी कहलाती है नाजर नाजरात रूह और नफ्स की मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती रहती हैं उन बीमारियों का इलाज मुसलसल दरकार होता है हमने मुख्तलफ़ रूहानी और नफसानी अमराज का ज़िक्र भी किया और उन अमराज के इलाज के बारे में भी तफसीली गुफगू की चुनाचे गुज्त तीन हफ़्तों से हम ओजब जैसी बीमारी पर गुतगु कर रहे हैं यह हमारा तीसरा प्रोग्राम है ओजब के मौजू पर ओजब जिसको उर्दू और फ़ारसी में खुद पसंदी से ताबीर किया जाता है इतराना अपने आप को बेहतर काबिल तारीफ और कुछ शय समझ लेना मैं भी कुछ हूँ मेरी भी कोई हैसियत है मैं ये हूँ मैं वो हूँ अब इस उज्ब की हमने इससे पहले अर्ज़ किया कि तारीफ़ क्या है जो दीगर गुनाहों से अलग है बज़ाहिर लगता है कि फ़्र और गुरू और तकबुर जैसी उज भी कोई ऐसी ही बीमारी है जबकि कुफ फ़ख्र और तकबुर में दूसरों को हकीर और नाचीज़ जानने का भी जज्बा कर्फरमा होता है जबकि उज्व उस खुद पसंदी को कहते हैं जिसमें किसी और को नीचा दिखाने का तस्वर नहीं होता ख़ुद इंसान किसी और का मुआज़ना करके दूसरे को हकीर और ख़ुद को बेहतर अफजल और अहसन नहीं समझता है बल्कि अंदर ही अंदर ख़ुद खुश होता रहता है इतराता रहता है अपने किसी अल्लाह की जानिब से दिए हुए कमाल या फ़न या हुनर या कोई जाति या इक्तिसाबी सिफत को लेकर के तफसीली गुफ्तु हुई है आज मैं चाहूँगा कि किजब की अक्साम पर गुफ्तु करूँ और साथ ही साथ जब जैसी बीमारी के इलाज पर बात करूं उजब के लिए तबरुकन एक हदीस पेश करना जरूरी समझता हूं। इमाम जाफर सादिक असलात फरमाते हैं कि अल-ऊज्व किजब रसुलजब यानी खुद पसंदी अपने आप को कुछ शय समझ लेना ये हिमाकत की जड़ है यानी इंसान हिमाकत और नादानी जितनी भी करता है उसके पीछे ये बीमारी कार फरमा होती है चूँकि उसे ग़लत फहमी हो गई है कि वो बेहतर है वो अच्छा है वो काबिल फ़्र काबिल सतश और काबिल और अहतराम अपने आप को समझने लगा है हिमाक़त पे हिमाकत करता चला जाता है हिमाकत की जड़ और हिमाकत की असल खुद पसंदी है इसकी बहुत सारी किस्में हैं, उन अकसाम का जिक्र करेंगे और उन अकसाम के जिक्र से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरह मालूम हो कि हम इस तरह की बीमारी में मुबतला हैं बीमारी को डिस्कवर कैसे करें अगर खुदा नख्वास्तः मुझ में ये बीमारी है खुद पसंदी की तो मुझे कैसे मालूम हो कि मेरे अंदर ये बीमारी पैदा हो चुकी है ये किसी और के पास है तो कैसे मालूम हो कि वो इस बीमारी का मरीज है तवज्जो कीजिए खुद के अंदर उज्ब है या नहीं जानने का वाहिद जरिया यह है कि अपने अंदर झांक कर देखें क्या हर बार अंदर ही अंदर हम अपने आप को बेहतर समझ के खुश होते हैं या नहीं होते हैं क्या हमारे गलत होने की भी गुंजाइश साथ साथ हम अपने अंदर रखते हैं या गुंजाइश ही अपने गलत होने की हम अंदर रखते ही नहीं हैं कोई भी काम हो हम अंदर से गुंजाइश इस बात की रखते ही नहीं कि हम भी गलत हो सकते हैं कोई बात कही कोई मशवरा दिया कोई काम किया कोई इकदाम किया उसमें हम ज़रा बराबर भी गलती का तस्वर नहीं करते हमें पता चल जाना चाहिए कि हम मुबला हो गए हैं ओज जैसी बीमारी में ख़ुद पसंदी जैसी बीमारी में हम मुबतला हो चुके हैं Allah की पना उसका इलाज भी जरूरी है इन हम उसकी अकसाम बयान करने के साथ साथ इलाज भी बयान करेंगे अब अगर हम यह जानना चाहें कि किसी और के पास खुद पसंदी जैसी बीमारी है या नहीं तो उसका क्या तरीका है उसका तरीका यह है कि आप देखें कि उजब जैसी बीमारी वाले की बातों में हर बार अपनी तारीफ है खुद सताई है सेल्फ प्रेजिंग है हर चीज में देखा मैंने कैसे कमाल किया देखा मेरी वजह से यह काम हुआ देखा मैंने कैसा कारनामा अंजाम दिया देखो मेरा जमाल देखो मेरा कमाल देखो मेरा माल देखो मेरा सिलसिला देखो मेरी औलाद को देखो मेरे खानदान को इन सब चीज़ों से वो हमेशा अपनी तारीफ करता भी है और लोगों से भी तारीफ चाहता है हरगिज उसे यह बात पसंद नहीं आती कि कोई उसको क्रिटिसाइज भी करे यह है दूसरों के अंदर उजब की बीमारी के शनाख्त का जरिया अगर किसी और के अंदर है तो क्या करें कि हम उसको लताड़ करके उसको क्रिटिसाइज करके उसको इस बीमारी का मरीज बता करके जलील कर दे नहीं इलाज सही तरीके से इलाज कैसे होगा दूसरों की बीमारी का इलाज कि जब वो उज्ब जैसी बीमारी में मुबतला है और कैसे होगा अपना इलाज जब हम उजब जैसी बीमारी में मुबतला है ये बहुत अहम सवाल है अब आइए उजब की अकसाम पर तवज्जो देते हैं उजब की कई किस्में हैं। पहली बात तो यह है कि उजब अगर सिर्फ नेक कामों के लिए है नेक कामों के अंदर है और अपनी नेकियों ही से उसे अपनी तारीफ पसंद आ रही है और अपने आप को वो बेहतर महसूस करने लगा है तो उसका इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए वरना ये तकबर जैसी बीमारी में मुबतला हो सकता है यानी इसी उज्व को अगर सही मानों में रोका ना जाए तो ये तकबर में बदल जाता है तकबर में फिर दूसरों को भी हकीर जानना दूसरों को गलत खुद को सही खुद को अच्छा दूसरों को बुरा खुद को बरतर दूसरों को कमतर ये जो तकबुर की बीमारी है ये तो उज्ब के बाद पैदा होती है और इतनी खतरनाक है कि अगर सुई बराबर भी किसी इंसान के दिल में तकबुर ने जगा कर ली अल्लाह अल्लाबहाना उस पर जन्नत को हराम करार दे देता है और जहन्नम को उसके लिए वाजिब करार दे देता है क्यों इसलिए कि अल्लाह सुबह के ये गोया मकाबिल में आ गया उसकी किबरियाई के मुकाबल में खुद भी अपने आप को बड़ा समझने लग गया बहुत खतरनाक बीमारी हो जाएगी किब्र और तकबर उससे पहले इम्कान है कि ओजब जैसी बीमारी का हम आसानी के साथ इलाज करें पहली किस्म ओज की यह है कि इंसान खुद पसंदी में सिर्फ और सिर्फ अपने उन चीज़ों के बारे में मुबाहात करे और खुद पसंद करे कि जो अल्लाह की जानिब से उसे अता करदा हैं खुद उसने उसमें कोई कमाल नहीं किया है मसलन अगर चेहरा खूबसूरत है अल्लाह ने बनाया अब वो बार बार आईने के सामने इस तरह के उजब जैसी बीमारी में मर्द भी मुबतला होते हैं यकीन लेकिन औरतें ज्यादा इस बीमारी में मुबतला होते हैं और शैतान इसी उज्ब जैसी बीमारी का फायदा उठा करके मजीद गुमराह कर देता है पहली उज्ब की किस्म यह है कि हम उन चीज़ों पर इतराने लग जाएं कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने मुफ्त में हमें दे रखा एक ताती अता करदा चीज़ें हैं हमने खुद बनाई नहीं आँखें बोटी बोटी हैं चेहरा हसीन है नाक ऊँची है दांत हसीन है होठ बड़े अट्रैक्टिव और जज़्ज़ाब हैं और गाल बहुत ख़ूबसूरत और गुलाबी हैं और चेहरे की रंगत ऐसी है ये सारी बातें अल्लाह सुबहान जानिब से हमारे अंदर रख दी गई हैं गो के जिसको आप बज़ाहिर बच्चे शक्ल समझते हैं वो भी आईना देख के अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ख़ूबसूरत ही समझता रहता है ये उसकी मज़ीद नादानियों की दलील है लेकिन अगर वाकई भी अल्लाह ने हसन दिया है तो क्या हम इस पर इतराएँ क्या हम इस पर फख्र करें क्या हम इस पर नाज़ करते रह जाएँ कि देखो मेरा अल्लाह ने चेहरा कैसा बनाया है और देखो मैं कितना ख़ूबसूरत हूँ देखो मैं कैसा हूँ कैसा हूँ ये सारी अल्लाह की अता करदा नेमतों पर खुद पसंदी के इस पहले मरहल में हमें इलाज की तरफ भी मतवज होना है और वो क्या है इलाज इसका यह है कि हम समझें कि इसको हमने नहीं बनाया है बल्कि अल्लाह ने इम्तहान के तौर पर हमें अता किया है अगर चेहरा ख़ूबसूरत है रंगत अच्छी है गाल अच्छे हैं आँख अच्छे हैं होठ अच्छे हैं नाक अच्छी है और बाकी तमाम चीज़ों में हुस नज़र आता है तो हम इस पर इतराने के बजाय इस पर शुक्र बजा लाए और शुक्र भी तन्हाई में अंदर ही अंदर अल्लाह का अदा करें कि किसी और के सामने अपनी इन खूबियों को दोहराने का भी नुकसान हो सकता है यही उज्व जैसी बीमारी खुद पसंदी कि देखो मैं कितना हसीन हूँ कोई खातून कहे मैं देखो कितनी खूबसूरत हूँ यह बहुत बुरी बात होती है ये पसंदी की ये इब्तदाई इब पहली जो है किस्म है और इसका इलाज भी बहुत आसान है <coughs> सरकार सल्ला वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम आईना देखो और अपने आप को खूबसूरत पाओ गो के हर आईना देखने वाला अपने आप को दूसरों से बहरहाल हसीन और जमील और खूबसूरत तस्वर करता है जब आईना देखो तो बजाय इसके कि उस पर इतराओ शुक्र खुदा करते हुए दुआ भी कर डालो यह इलाज है तवज्जो कीजिए घरों में आईना इसलिए भी रखा जाता है कि हम अपने चेहरों पर किसी तरह की कोई भी गलाजत आने न दें चेहरे को पाक को साफ रखने के साथ साथ शुक्र खुदा भी करें और दुआ भी करें वो दुआ क्या है बहुत छोटी मख्तसर है मगर बहुत कार आमद है अगर हमने इसको अमली शक्ल दे दी तो हम वाक जैसी बीमारियों से महफूज होते चले जाएंगे उज्व की सिर्फ पहली किस्म आपकी खिदमत में बयान करने के बाद इलाज की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं तोज्जो फरमाइएगा जब आईना देखो तो सरकार दोम सल्ला वसलम ने फरमाया कि चेहरे को आईने पे देखते ही तुम ये दुआ करो अल्ला हसी खुल्की क़मा संत खलकी परवरदिगार मेरे अखलाक को मेरे किरदार को मेरे अंदर को भी उसी तरह ख़ूबसूरत कर दे जिस तरह तूने मेरे जाहिर को मेरे बाहिर को मेरी खिलकत को हसीन और ख़ूबसूरत कर दिया है दुआ है जैसे चेहरे पर दोनों आँख बराबर बैलेंस और मतदिल लेवल के साथ हैं अगर कान ऊंच नीच का शिकार नहीं हुए बल्कि बड़ा मुतवाजन बड़ा मतदिल मकाम पा चुके हैं अगर जबान और होंठ और बाकी तमाम अजा अपनी अपनी जगह परफेक्टली फिट किए गए हैं तो परवरदिगार मेरे किरदार को भी कुछ इसी तरह परफेक्ट बना दे कि मैं ना इफरात करूँ ना तफरीद करूँ ना बातों में ऐसा कुछ हो ना ऊंच नीच मेरे कौल फ़ैल में नज़र आए ना मेरे किसी किरदार में ना किसी मेरी गुफ्तार में न किसी और मेरे काम में इस तरह शिद्दत पसंदी या फिर आ, सहलंगारी और तसाहगराई इन सब चीज़ों से मुझे नजात देकर जैसे तूने चेहरे को हसीन हर चीज को उसकी मुनासिब जगह पर रखा है मुझे भी तोफीक दे कि मैं अपने कामों को भी इसी तरह मुतवाजन मतदिल बैलेंस करके तेरी बारगाह में जिंदगी बसर करूं क्या हसीन दुआ है ये अल्लाह अकबर दूसरी किस्म क्या है अजब की कि इंसान अपने जिस्मानी ख़ूबियों पर नहीं इतराता बल्कि अपने ख़ानदान की खूबियों पर इतराता है जो कि उसका ख़ुद भी अपना अमल नहीं है मेरे दादा ने फलां ज़माने में ये कारनामा अंजाम दिया था मेरे बाप ने यह किया था मेरे चाचा ये करते हैं मेरे मामू वो करते हैं मेरे परदादा ने यह किया था मेरे उससे पहले के दादा ने यह किया था उसकी ज़बान पर अपने ख़ानदान की तारीफ जारी है खुद पसंदी में मुबतला हुआ है यह दूसरी किस्म है उजब की और खुद पसंदी की कि ये उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि जिन चीज़ों का खुद उसकी ज़ात से कोई लेना देना नहीं है खुद उसका सिर्फ हसबी और नसबी ताल्लुक़ है और कुछ नहीं रह गया है इसने खुद कोई काम अंजाम नहीं दिया है कि जिस पर यह फ़ख्र कराए बल्कि नाज और इतरानने वाली बातें सारी अपने ख़ानदान के लिए हैं इसका इलाज क्या है इसका इलाज ये है कि इंसान अपनी इस नादानी को दूर करे कि बाबा ख़ानदान की किसी कमाल का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ मैं अपने खुदा के दरमियान जो हूँ उसी का मेरे साथ हिसाब किताब होगा ख़ानदान की खूबियाँ मेरे खाते में नहीं डाली जा सकती न मैं अपनी खूबी को किसी ख़ानदान के फ़र्द की झोली में डाल सकता हूँ हर कोई अपने अमाल का ख़ुद ज़िम्मेदार है लिहाजा इस तरह की खुद पसंदी में कोई मज़ा भी नहीं है इंसान को इनसे भी बालातर मारफ़त की तरफ आना है गौर करना है हम तीसरी कस्म पर जाने से पहले मुख्तसर सा वकफ़ा लेना चाहेंगे आप हमारे साथ होंगे हम भी आपके साथ इन शस्त